दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज आप लोगों के बीच में एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को ध्यान से आप देखिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अनु त्रिपाठी चौकीदार विभाग का भला नहीं चाहते, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी सुने, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी सुने, दोनों के लिए। अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं नहीं अनु त्रिपाठी गलत बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो आपको एक नशा हो चुका है अन्य लोगों की तरह। तो कहने का तात्पर्य, और बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि अनु त्रिपाठी ने चौकीदार विभाग को गलत सलत बोला और गाली गलौज करते हैं, पहली बात तो गाली नहीं थी, नंबर दूसरी बात जो लोग हमारा गलत कर रहे हैं और जो लोग इतनी मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी अगर चीजों को नहीं समझ रहे हैं और उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा और गुस्से में कुछ भी बोलेगा। लेकिन मैं उसी को बोलता हूँ जो गलत कर रहा है, हर किसी को नहीं, क्योंकि किसी भी विभाग में हर कोई गंदा नहीं होता है। 20% लोग जो गंदगी फैला रहे हैं उनके खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ। अब इसमें अगर सबको बुरा लग रहा है तो ये बहुत गलत बात है। दोस्तों मेरा सवाल है एक, जैसा कि लोग कहते हैं, मुझसे बोलते हैं कि आप चौकीदारों का उद्धार नहीं चाहते, आप चौकीदारों के बारे में अच्छा अच्छा नहीं दिखाते। आप लोग जरा विचार कीजिए कि आखिर ये लोग मुकदमा के चक्कर में क्यों पड़े हैं, आखिर ये लोग उसी अपने ही वकीलों के झांसे में क्यों पड़े हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, जरा विचार करिए। आप मेरी मत मानिए, आप अपने दिमाग की खुद सुनिए और खुद रात में लेटिए और सोचिए कि क्या अनु त्रिपाठी आपको गलत समझा रहा है या सही समझा रहा है। जरा सोचो, मुकदमा ना होने से मेरा फायदा है या होने से मेरा फायदा है, आप बताइए। मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यही है कि अगर ये इतने हितैषी हैं चौकीदार विभाग के ना, तो सबसे पहले जो मिर्जापुर वाला कांड हुआ, एक भी तस्समस हुआ, एक भी व्यक्ति वहां जाकर बात किया या पहुंचा, नहीं पहुंचा। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि चौकीदारों को लगातार झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता है। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी इन लोगों ने विरोध किया, नहीं किया। इन लोगों ने कभी थाने में खड़े होकर के अपने इन्हीं के जो थाने होंगे ना, वहां पे भी लोग गुलामी कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, ये खाली परगलाने का काम कर सकते हैं। अगर ये इतने ही हितैषी हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस पे वादा करता हूं और चैलेंज करता हूं उन विरोध करने वाले लोगों को, जो लोग कह रहे ना कि अनु त्रिपाठी भला नहीं चाहते, अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि मिर्जापुर वाला जो कांड हुआ था उस पे जाइए, उतर के विरोध प्रदर्शन करिए और उस दरोगा के खिलाफ उतरिए, तब मैं जानूंगी तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, क्षमता है तुम जागने की। वहां काम हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, आप विरोध करिए, चल के उतरिए वहां पे, करिए प्रदर्शन उसके खिलाफ अगर इस तरीके से गलत बर्बरता किसी के साथ कर रहा है। मेरा मतलब बस इतना है कि अगर आप हित चाहते हैं ना, तो सबके लिए खड़े होना सीखिए, ना कि आप मुकदमा मुकदमा मैं सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं, ये बरगलाने का काम और पैसा लेने वाला काम बंद कर दीजिए। इतने पुराने मुकदमे पड़े उन पर तुम लोग नहीं काम कर पा रहे हो, बस नए नए मुकदमे डालते रहो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले विभाग को सुधारिए, जो भी जिस विभाग में शोषण हो रहा है उसको बंद करवाइए, तब जाके आप आगे कार्य करिए। ये थोड़ा ना होता है कि बस वेतन के लिए सालों 70 सालों से लगे हैं लोग और कुछ नहीं हुआ अभी तक, और तुम लोग मुझे कमजोर कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। यहाँ जैसे ही थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास करते हो क्या बोलते हो, कह रहे हो चैनल से कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अबे तुमको क्या पता कि चैनल से क्या नहीं हो सकता, चैनल से तो अच्छे अच्छे स्टार सुपर स्टार बन गए, चैनल से एक भिखारी भी स्टार बन गया, और तुम बताते हो कि कुछ होगा नहीं। तुम लोगों की वजह से ही हमें बहुत ज्यादा, हमारा जो मोटिवेट है ना, मोटिवेशन जो थोड़ा बहुत हम अपने आप को मोटिवेट करते ना माइंड को कि चलो यार कैसे कैसे क्या काम करना चाहिए, तुम लोग हमारे ये जो दिमाग को ना डाइवर्ट कर देते हो, ये बहुत गलत बात है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ जिन लोगों को लगता है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, चलिए उतरिए मैदान में, उस दरोगा के खिलाफ काम करिए, मैं पूरा समर्थन दूंगा, पूरा समर्थन दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन काम करिए, ड्रामा नहीं, ड्रामा करोगे नहीं बर्दाश्त करेंगे, उतरिए मैदान में, काम वहां हो या ना हो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं। उतर के तो आइए मैदान में, कूदिए ना जलती हुई आग में, खिलाफ बात करिए उनसे कि आप लोगों ने कुछ नहीं हो सकता, अगर इतना कर लेना जब तब मुझसे बात करना, और ये फर्जी की जो बकचोदी करते हो ना ये बंद कर दो, और जो फर्जी के कमेंट करवा रहे हो ना अपने टट्टुओं से, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने गंदे कमेंट कराने कराओ, कमेंट से होने वाला कुछ नहीं है, ध्यान रखना। और ये जो लोग लाइक वाइक कर रहे हैं ना, ये सब हमारे अपने लोग हैं, ये मत सोचिए कि तुम्हारे ना होने से, तुम्हारे खिलाफ होने से दुनिया हमसे रूठ जाएगी, ऐसा नहीं।
आप गलत हो, मतलब उस मिर्जापुर कांड पे एक्शन लीजिए। जिन लोगों से बदतर हो, ये दुनिया का काम कराया जाता है इतना वेतन कम में, उन पर काम करिए, उन पर बात करिए, तब मैं तुम्हारा पूरा समर्थन दूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो दबा के शेयर कर देना, और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हो ना तो तेल लगाते रहिए तेल। जिस दिन फटके हाथ पे आएगा ना, उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर करो दबा।